ये वो दिन की बात है जब राकेश पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय में अपनी आसपास दिखती हुई हर रेक चीज और मनुष्य प्राणी वगैरह की फोटो खींचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डराने वाला प्रेत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ अजीब सी दो आंखें दिख रही थीं और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरा के सामने देख रही थीं। डर के कारण मैंने वो फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरा को कबट में रख दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कबाट में से धीरे धीरे आवाज सुनाने लगा। मेन बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कबाट का दरवाजा खोल के देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके फोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे लोगों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुनके पापा मेरे रूम में गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है। दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तट पे बैठ के कैमरा से फोटो खींच रहा था। बाद में फोटो खींच लेने के बाद कैमरा में फोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो मैंने डिलीट कर दिया था, वही भयानक फोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गया था। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फोटो देखा तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि उसमें क्या था। ये वही फोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी, और वही फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेके सीधा पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफी गुस्सा हुए और मुझे बोले कि अगर तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबट में से फोटो क्लिक की आवाज आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं परलौलिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूं। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने भूल की उसकी सजा तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई। मुझे यह भी पता था कि यह धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखाने के लिए भी जाऊंगा उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 रुपए में खरीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 रुपए में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा कि कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। तो दोस्तों, ये थी राकेश के साथ घटी घटना। तो इसके बारे में अपनी राय दे और जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।